हाय फ्रेंड्स, पंजाबी फूड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करती है। आइए आज फिर आपको एक सिंपल नई डिश बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। उसके लिए हमने कुछ आलू लिए हैं, अच्छी तरह से धो के हमने एक चम्मच नमक डाल के उनको बंद करके रख दिया है। 5-6 हमने उसकी विस्ले की है और अब आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, हमने निकाल लिए। और अब हम अच्छी तरह से इनके छिलके उतार के इनको मैश करेंगे। अब सबसे पहले हम इनके छिलके उतारेंगे। सर्दियों के दिन हो और ऊपर से छुट्टी वाला दिन हो, साथ में होलीडे हो, सारी फैमिली घर में हो, तो ये चीज़ें बना के और भी बड़ा मज़ा आता है, सब मिल बैठ के खाते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। 2 प्याज हमने बारीक बारीक काट के रख लिए थे, वो अब हमने इसमें डाल दिए। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्ची, हमने बारीक बारीक काट के रखी हुई है वो डालेंगे। और इसके साथ साथ अदरक जो हमने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है, हमने 2 इंच का एक टुकड़ा काट के रखा हुआ है वो डाल दिया। आप इसमें और भी वेजिटेबल जैसे कोई डालना चाहते हैं, जैसे पालक या मेथी थोड़ी सी, वो भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से प्याज हमने और इसमें मिक्स किए हैं और सबको हम अच्छी तरह से मिला देंगे, अच्छी तरह से, ताकि सब आपस में आलू के साथ सब मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से हम इनको एक बार मिला देंगे। अब हमने हरा धनिया थोड़ा सा काट के रखा हुआ है, उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। हरी धनिया के साथ भी ये अलग सा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं खाना पसंद करते, कुछ लोग हरा धनिया नहीं खाते, तो आप स्किप कर सकते हैं। हमने धनिया मिक्स कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले जो डालने हैं वो मिक्स करेंगे। 1 चम्मच हमने नमक लिया है, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार और क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। जीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच, जीरे को हमने पहले भून के रखा हुआ है और उसका पाउडर बना के रखा हुआ है। लाल मिर्ची 1 चम्मच ली है, मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और अब हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। आप सब मसालों को अपनी क्वांटिटी के और टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी खाना पसंद करते हैं। 1.25 चम्मच हमने आमचूर पाउडर का लिया है, अमचूर पाउडर से भी इसका टेस्ट अच्छा आता है, देखियो हमें ये टेस्टी लगता है। अमचूर आप नहीं खाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब हमने जो आलू का हमारा मिक्सर है, हम उसमें 1 कटोरी छोटी वाली, इसमें हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया। कॉर्नफ्लोर हमने बाइंडिंग के लिए इसमें मिक्स किया है। अब हम इसमें सारे मसाले मिक्स कर देंगे, सारे मसाले मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इनको मिला देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें हींग पाउडर को भी मिक्स किया और इस तरह से हम इनको सबको मिला देंगे। अगर आप इसमें मटर, हरे मटर मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने इसलिए नहीं किए कि हमारे बच्चे इसमें मटर नहीं खाते, नहीं तो हम इसमें मटर मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम लेंगे 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको एक पेस्ट तैयार कर लेंगे।
बहुत पतला नहीं करना, ना ही बहुत गाढ़ा रखना है। धीरे धीरे से आप पानी मिक्स करके उसके मुताबिक इसको बना सकते हैं। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इस तरह से हमने तैयार कर लिए। हमने एक पैन लिया है और उसमें हम ऑयल डालेंगे। हम सरसों का ऑयल डाल रहे हैं, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और इसमें हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हम जब तक ये अच्छा गर्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको गर्म करेंगे। हमने इसको बहुत तेज आंच नहीं रखी, मीडियम आंच रखा है। और जो हमने अब मसाला तैयार करके रखा है उससे हम एक बड़ा पेड़ा लेंगे। इस तरह से हमने पेड़ा लिया, एक अच्छा बड़ा पेड़ा लेके आप जितना भी साइज़ का बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक ले सकते हैं। अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा सा साइज़ रखना चाहते हैं तो छोटा पेड़ा लेंगे, बड़ा बनाना है तो बड़ा पेड़ा लेंगे। इस तरह से हम इसको एक कटोरी की तरह इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। और जो हमने कॉर्नफ्लोर से एक लिक्विड तैयार किया है उस पेस्ट में से हम इसको डिप करके निकाल लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद हमने एक कटोरी में नमकीन सेवियाँ ली हैं, इस तरह से, उसमें से हम इनको अच्छी तरह से लगा देंगे, इस तरह से। जैसे सारी साइड्स पे हम जितना भी क्वांटिटी लगाना चाहते हैं उस हिसाब से हम लगा देंगे। और ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें इसको बड़े आराम से डाल देंगे। बहुत ध्यान से डालना है ताकि हमारे हाथ में ना लगे। इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे, इस तरह से। बहुत खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बना है, लग ही रहा है इसकी खुशबू से कि ये बहुत ही टेस्टी बना होगा। इस तरह से हम इसको प्रॉपर पका लेंगे। बहुत अच्छा बना है, हमारी कटोरी एकदम बन के तैयार है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे ताकि ये प्रॉपर पक जाए पूरा, अंदर से भी थोड़ा जैसे पूरा आराम से ये पक जाए, इस तरह से। बहुत अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत अच्छा बना है, अब हम इसको सर्व करेंगे। हमने नमकीन सेवियाँ ली हैं, टमाटो सॉस लिया है और ग्रीन चटनी ली है। थोड़ी सी हमने बारीक बारीक अनियन काटे हैं। इस तरह से हम पहले इसमें थोड़ी सी सेवियाँ डाल लेंगे, उनके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज जो हमने काट के रखे हैं वो डाल देंगे, और थोड़ी सी हम लाल चटनी डालेंगे। टमाटर सॉस हमने लिए, आप कोई भी चटनी ले सकते हैं। और उसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्रीन मिंट लीव्स और धनिया की चटनी है वो डाल दिए। और इसके साथ साथ हम फिर थोड़े से प्याज इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ी सी सेवियाँ हम और डाल देंगे, इस तरह से। ये हमारी कटोरी चाट बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। सारा घर इसकी खुशबू से भर गया, बहुत ही टेस्टी बनी लगती है। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर बनाइएगा, और जब भी आपका दिल करे आप
इसको खा सकते हैं, मार्केट में जाके खाने की भी ज़रूरत नहीं, घर का फ्रेश बना हुआ और एकदम साफ़ सुथरा आप इसको आराम से बना सकते हैं। मेरे बच्चे भी इसको बनाने की बहुत ही डिमांड करते हैं कि मम्मी इसको जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ी सी सॉस उसके ऊपर हम और डाल देंगे। आप अपने घर में इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।